नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको कैसा लगता है जब आपके आसपास लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हो, आपके आस पड़ोस में लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, आपके रिश्तेदारों के घर में झगड़ा रहता है, आपके खास मित्र अपने परिवार वालों से लड़ते रहते हैं। ऐसे में आपका जो मानसिक दबाव है वो बढ़ जाता है और आपको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपकी निजी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। पर आप चाहते हैं कि ये जो दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी लड़ाई को ख़त्म किया जा सके, ताकि ये आपस में प्यार मोहब्बत में रहें और आपके घर में भी जो इसकी वजह से परेशानी आई है वो दूर हो सके। तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर गुरु माँ सरोज देवी जी लेकर आए हैं, जिसके अंदर बताया गया हुआ उपाय आपके सभी परेशानियों का हल कर सकता है। यही उपाय उन दो लोगों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उनको खत्म करेगा और उनके बीच में आपसी प्रेम बढ़ाएगा। बहुत ही सिंपल सा उपाय है। इस उपाय को करते ही जो भी व्यक्ति आपस में लड़ते हैं उनके लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म होंगे, आपसी प्यार उनका बढ़ेगा और कभी भी वो दोबारा एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे। तो इस उपाय को कैसे करना है, इसकी कौन सी सामग्री है, आइए जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपने दो फूल लेने हैं। ये दोनों फूल लाल रंग के होने चाहिए। आप कोई भी किस्म का फूल ले सकते हैं, बस उनका रंग जो है वो लाल होना चाहिए। इन दोनों फूलों को आपने मौली धागे के साथ एक लाइन के अंदर पिरो लेना है। इसके बाद आपने एक दिया प्रज्वलित करना है। इस दिए को आपने आटे से बनाना है और इसके अंदर देसी घी डाल के इसको प्रज्वलित करना है। जैसे ही आप इसको प्रज्वलित करें, इन फूलों को उनके सामने रख दें। इसके बाद आपने आटे के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इस चिन्ह को आपने दिए के दाहिनी तरफ बनाना है और जब आप मंत्र जाप करने बैठें तब आपका मुख जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे, जिस कमरे में आप ये उपाय कर रहे हों उसके अंदर रोशनी आती रहनी चाहिए और नेचुरल रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में आपने ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपने उन व्यक्तियों का नाम लेते हुए मंत्र जाप करना है। जैसे ही मंत्र जाप कंप्लीट हो, आपने इस दिए और फूल को एक लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। अच्छे से ध्यान रहे, जब आप कपड़े के अंदर इस सामग्री को बांध लें तो इस सामग्री को आपने जहां पर कोई पीपल का पेड़ हो उसकी जड़ के पास इसको रखाना है। बस इतना सा उपाय करने की देर होगी कि आपके जो पड़ोसी हैं जो लगातार झगड़ते रहते हैं, आपके दोस्त मित्रों के अंदर जो लगातार झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में जो लोग लड़ते रहते हैं उनके बीच में जो झगड़ा है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा, आपसे प्यार उनका बढ़ेगा और कभी भी दोबारा एक दूसरे से झगड़ा वो नहीं करेंगे। तो अगर आप भी किसी का झगड़ा ख़त्म करके उनको मिलाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।